ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिजाब विरोधी प्रदर्शन में कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन सरकार और प्रदर्शनकारी तस से मस नहीं हो रहे हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईरानी सरकार ने कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया है। जहां इंटरनेट बंद नहीं किया गया है, वहां पर इसकी स्पीड स्लो कर दी गई है। वहीं ईरानी सरकार के इस कदम के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को ईरान के लिए खोलने का ऐलान किया है। मस्क का ये कदम ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने मस्क को ईरान के लिए सैटेलाइट सर्विस खोलने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है। ईरान की सरकार ने तेहरान सहित देश की 20 प्रमुख यूनिवर्सिटी को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का ऐलान किया है। विद्यार्थियों को बिना इंटरनेट क्लासेस लेने में समस्याएं आ रही हैं। ईरान में शुक्रवार से ही 2 साल के बाद नया अकादमिक साल शुरू हुआ है। सरकार ने अब तक लगभग 5,000 से ज्यादा हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। महसा अमीनी को हिजाब सही तरीके से नहीं पहनने को लेकर 13 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। पुलिस हिरासत में 3 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया था। इसके बाद जनाक्रोश पैदा हो गया। अमीनी को 17 सितंबर को दफन किए जाने के बाद प्रदर्शन शुरू हुए और ये दर्जनों शहरों में फैल गए हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। धीरे धीरे ये मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि अमेरिका भी ईरानी महिलाओं के पक्ष में आ गया है। मानवाधिकार संगठन भी ईरान सरकार की इस मामले में निंदा कर रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।